hello students welcome all of you to youtube channel physics quantum classes in this video i Bhai Kumar, going to discuss a very important topic in electromagnetic theory and electrodynamics which is maxwell field equations and its physical significance for class bsc part 3 physics honors paper 7 group a that is the final paper of BSc Part 1 Physics Honors courses of all universities. First of all, we have to discuss Maxwell field equations, which is usually asked in the papers of बीएससी पार्ट थ्री फिजिक्स ऑनर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मैक्सवेल कंबाइंड थोड़ इंपोर्टेंट लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विच आर नोन एच मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस मैक्सवेल ने करंट इलेक्ट्रिसिटी तथा मैनेटिज्म के दो दो इंपॉर्टेंट लॉज को डैट इज कुल फोर लॉज टोटल फोर लॉज को कंबाइंड कर कंबाइंड किया जिसे मैक्सवेल जिन्हें मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस कहा जाता है वी हैव टू राइट डाउन दीज मैक्सवेल फोर फील्ड इक्वेशंस इन द डिफ्रेंशियल फॉर्म

और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रो और वी कैन राइट इन ऑपरेटर फॉर्म डेल ऑपरेटर और इन डिफेंसियल फॉर्म डेल वेक्टर दैट इज डेल ऑपरेटर और डेल वेक्टर डॉट डॉट डाइवर्जेंस है तो डेल वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट का यूज होता है डाइवर्जेंस में तो डेल डेल ऑपरेटर दैट इज डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर equals to rho. This is equation number 1, this, that is Maxwell first field equation, which is Gauss's law in electrostatic, electrostatics. This is Gauss's law in electrostatics. In differential form, it is written as uh, del operator or del vector dot d vector is equal to rho, that is divergence d, d vector is equal to rho, where d vector is the displacement vector or electric displacement and rho is द चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज मैक्सिमैल फर्स्ट फील्ड इक्वेशन सेकेंड फील्ड इक्वेशन इज मैक्सिमेल सेकेंड फील्ड इक्वेशन इज डाइवर्जेंस बी वैक्टर इजक्ल टू जीरो विच इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिजम डाइवर्जेंस डी आई वी डाइवर्जेंस बी वैक्टर बी इज द मैटिक फील्ड और मैटिक इंडक्शन इज्क्वल टू जीरो इनडिफ्रेंशियल फॉर और इन ऑपरेटर फॉर्म इट कैन बी डाइवर्जेंस बी इज्कवल टू जीरो कैन बी रिटेन एज डेल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर डेट इज डेल वैक्टर डॉट बी वेक्टर क्योंकि डाइवर्जेंस में स्केलर प्रोडक्ट का यूज होता है देयरपोर डेल वैक्टर डॉट बी वैक्टर इजकल टू जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर टू दिस इज मैक्सवेल दिस इज मैक्सवेल सेकेंड फील्ड इक्वेशन विच इज गॉसेस लॉइन मैग्नेटिज्म नाउ मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेशन इज एम्पियर्स सर्कुटल लॉ इन मैग्नेटिज्म दैट इज मोडिफाइड एम्पियर्स सर्कुटल लॉ बिकॉज ए टर्म डिस्प्लेसमेंट करेंट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड इन दिस इक्वेसन बाय मैक्सवेल सो मैक्सवेल मैक्सवेल्स थर्ड फील्ड इक्वेशन इज कर्ल्ड एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डेल डी वेक्टर दैट इज पार्शियल डिफ्रेंसिएशन डेल डी वेक्टर अपॉन डेल्टी डेट इज कर्ल एच कर्ल एच वैक्टर वेर एच वैक्टर इज द मैनेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू जे वेक्टर प्लस डेल डेल ऑपरेटर दैट इज पार्शियल डिफ्रेंसीिएशन डेल डी वेक्टर अपॉन डेल्टी Partial differentiation del D vector upon del T, where D vector is the displacement vector or electric displacement, and del D vector upon del T is uh, 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 time rate of displacement vector, and J vector is uh, current density. <coughs> सो दिस इज मैक्सवेल दैट इज मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेशन विच इज कर्ल एच वैक्टर इज इक्वल टू जे वैक्टर प्लस डेल वेक्टर डेल डेल डी वैक्टर अपॉन डेल टी एंड कर्ल एज कैन बी रिटर्न एज इन ऑपरेटर फॉर्म और इन द डिफेंशियल फॉर्म इट कैन बी रिटर्न एज और वी कैन राइट इट एज डेल ऑपरेटर क्रॉस डैट इज डेल वैक्टर क्रॉस कर्ल है कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है कर्ल एच वैक्टर दैट इज डेल ऑपरेटर क्रॉस एच वेक्टर इक्वल्स टू जे वेक्टर विच इज करंट डेंसिटी प्लस डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड द फोर्थ एंड फाइनल मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन इज फराडेज 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 सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन दैट इज ज कर्ल ई वैक्टर डेट इज डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर इक्वल्स टू माइनस डेल बी भेक्टर अपॉन डेल टी सो राइट डाउन कर्ल ई वैक्टर एंड इनडिफ्रेंशियल फॉर्म कर्ली कैन बी रिटर्न एज डेल ऑपरेटर क्रॉस ई वैक्टर क्योंकि कर्ल है जहाँ भी कर्ल होगा वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा डेल ऑपरेटर क्रॉस ई वैक्टर इक्वल्स टू माइनस del b vector upon del t where b vector is the magnetic field or magnetic induction that is del b del b vector which is partial upon del t which is also partial so del b upon del t including minus sign is the negative uh, rate of change of uh, magnetic field or magnetic induction with respect to time so it is which is faraday's law of electromagnetic induction which is uh, known as Maxwell's fourth field equation. Field equation means electromagnetic field equation. This is equation number four. So, these four, that is, two laws in, electri uh, in electricity and two laws in magnetism, were combined by the scientist Maxwell, and these four equations are known as Maxwell's. Four field equations. Now, we have to express these four equations, that is Maxwell four, Maxwell's four field equations, into the integral form for its physical interpretation. So now write down physical significance of physical significance of Maxwell's field equations, Maxwell's field equations. Now for the physical significance of Maxwell's first field equation, we have to express Maxwell's first field equation in the integral form. By using Gauss's divergence theorem and a Stokes theorem, we can express Maxwell's four field equations into the integral form, and thus we will obtain the physical significance of Maxwell's four field equations. So now we are starting from equation first field equation, which is divergence d vector equals to rho or ऑपरेटर फॉर्म और डिफेंसियल फॉर्म डेल वैक्टर डॉट डी वैक्टर इज कल टू रो मल्टीप्लाइंग बोर्ड साइड्स ऑफ इक्वेशन वन ओवर एंड आर्बिट्री आर्बिट्री भॉलूम टॉ और भी इक्वेशन वन के दोनों साइड में अब इक्वेशन वन को मैक्सवेल मैक्सवेल का फर्स्ट फील्ड इक्वेशन को डिफेंसियल फॉर्म ये इंटीग्रल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जिसके हेल्प से हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑपटेंट कर सकते हैं तो उसके लिए इक्वेशन वन के दोनों साइड में कोई आर्बिट्ररी वॉल्यूम भी या टॉ के लिए इक्वेशन वन के दोनों साइड में इंटीग्रेट hmm. करना होगा तो वी हैव टू इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग बोर्ड साइड्स ऑफ इक्वेशन वन ओवर एन आर्बिट्ररी वॉल्यूम in place of b we can uh, take tau so integrating both sides of equation 1 over an arbitrary आर्बिटरी का मीन्स स्वेच हो गया या तो टॉ से ओवर टॉ टोटल वॉल्यूम टॉ के ऊपर टॉपर या टोटल वॉल्यूम भी कोई वॉल्यूम लिया जा सकता है तो आर्बिटरी वॉलूम सो डैट दिस इक्वेशन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल वी हैव इंटीग्रल ओवर द इंटायर वॉल्यूम और वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए या तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जा सकता है नहीं तो सिंपल इंटीग्रेशन का सिम्बॉल लॉन्गेस्ट का यूज़ कर और नीचे सफिक्स में टॉ या भी का यूज किया जा सकता है तो यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं सिंगल इंटीग्रेशन लॉन्गेस्ट का सिंबल इंटीग्रेशन का सिम्बॉल लॉन्गेस्ट से डिनोट किया जाता है इंटीग्रेशन सिंबल को और टॉ नीचे लिख दिया गया दैट इज फॉर इंटायर वॉल्यूम टॉ के लिए इंटीग्रेट किया जा रहा है तो एल एच एस में हो जाएगा डाइवर्जेंस डी डाइवर्जेंस डी वेक्टर दैट इज डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू डी टॉ दैट इज डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू डी इक्वल्स टू अब आर एच एस में रो इंटीग्रल ओवर दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द इंटायर वॉल्यूम टॉ रो इंटू डी टॉ आरएचएस इज इंटीग्रल ओवर टॉ रो इंटू डी टॉ रो इज चार्ज डेन्सिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूमूम एंड डी टो इज द वॉल्यूम एलिमेंट और टोटल इंटीग्रेशन टॉ पर होगा तो डीटो इज टू टॉ सो रो इज कल टू चार्ज परमिट वॉल्यूम दैट इज वी कैन राइट रो एज चार्ज बाई वॉल्यूम दैट इज डी क्यू बाई डीटो इंटू डिटो तो डिटो से डिटो कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रल ओवर डी क्यू ओवर द इंटायर वॉल्यूम दैट इज चार्ज इनक्लोज बाई द इनक्लोज्ड चार्ज इनक्लोज इनसाइड द वॉल्यूम टॉ इज टोटल चार्ज क्यू सो आरचे इज ओनली क्यू इंटीग्रल ओवर टॉ रो इंटू डी टो इज क्यू So, RHS is Q, that is charge enclosed <coughs> enclosed by the volume V by the volume tau is Q. And in LHS, using Gauss's divergence theorem to convert the volume integral of LHS into surface integral, so we can write equation 1 as using Gauss's divergence theorem. We can write now this volume integral, integral over the entire volume tau. इज़ कन्वर्टेड इंटू सर्फेस इंटीग्रल सो वी कैन राइट सर्फेस इंटीग्रल सर्फेस इंटीग्रल के लिए या तो डबल इंटीग्रेशन यूज किया जा सकता है या केवल इंटीग्रेशन का सिंबल देकर एक इंटीग्रेशन का सिंबल देकर लॉन्गेस्ट सिंबल देकर सफिक्स में एस यूज किया जा सकता है तो हम लोग हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन सिंबल देकर के सफिक्स में एस डैट इज इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर द इंटायर सर्फेस डैट इज सर्फेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन का यूज नहीं कर रहे हैं केवल इंटीग्रेशन सिम्बॉल दे करके नीचे मेंस लिख करके सरफेस इंटीग्रल को एक्सप्रेस किया जा सकता है नाउ ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज इंटीग्रल ओवर टॉ डाइवर्जेंस डी वैक्टर दैट इज डेल वैक्टर डॉट डी डी वैक्टर को लिखा जा सकता है अब सरफेस इंटीग्रल में गोसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करने पर तो डेल डॉट डेल वैक्टर डॉट डी वैक्टर इंटू डी टी को लिखा जा सकता है डी भेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इंटीगल ओवर इंटायर सर्फेसेस डी वेक्टर डी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर And RHS is Q, which is the uh, total charge enclosed by the uh, arbitrary volume tau. That is integral over tau rho into dT HQ. So the integral form of uh, uh, first Maxwell's first field equation is integral over S, that is integral over surface integral d vector dot dS vector, using Gauss's divergence theorem. गोसेस डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स वॉल्यूम इंटीग्रल इंटू सर्फेस इंटीग्रल एंड भाइस भरसा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हेल्प से हम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल को दैट इज इंटीग्रल ओवर टो डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटू डी टी को हमने कन्वर्ट कर लिया सरफेस इंटीग्रल में दैट इज इंटीग्रल ओवर एस इंटायर सर्फेस एस डी वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल टू क्यू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन वन इज Oh, equation one is, uh, is in differential form Ma that is maxwell's maxwell's first field equation is in, in, is in the differential form is del vector dot d vector is equal to rho which is now in the integral form uh, is expressed as integral over s uh, integral over integral over the entire surfaces that is surface integral d vector dot d s vector is equal to q which is taken as equation number a and from this equation that is the integral form of maxwell's first uh, field equation

ऑफ द टोटल सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया एस तो अगर ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर होता है यहाँ इंटीगल ओवर सर्फेस इंटीग्रल तो क्या हो जाता इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर क्या है इंटीग्रल ओवर एस डी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर तो ये क्या हो गया टोटल दिस इज द टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और टोटल फ्लक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर विच इज डी वैक्टर linked with a closed surface and closed surface which is s is equal to the charge q enclosed inside closed by uh, charge q enclosed by that closed surface and this is the physical uh, this is the physical significance of uh, maxwell's first field equation which we obtain from the integral form integral form of Maxwell's first field equation. I am repeating again. You can write down it. Maxwell's Maxwell's first field equations signifies that the total flux of electric displacement that is integral over s d vector dot ds vector, it is the total flux of electric displacement linked with a closed surface s we have taken the closed surfaces is equal to the charge q is equal to the total charge q which is obtained from, uh, from integral over tau rho dt is equal to q that is total charge that is total charge enclosed by the closed surface s so total flux of so uh, maxwell maxwell integral form of maxwell first field equation given by equation a signifies that the total flux of electric displacement linked with a closed surface is equal to the total charge enclosed by that closed surface now physical significance of maxwell's second field equation वे डाइवर्जेंस बी इजकल टू जीरो और डेल वैक्टर इंडिफेंशियल फॉर्म और इन ऑपरेटर फॉर्म डेल वैक्टर डॉट बी वैक्टर इजकल टू जीरो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑपटेन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड फील्ड इक्वेशन सबसे पहले मैक्सवेल सेकेंड फील्ड इक्वेशन को इंटीग्रल uh, फॉर्म में ऑप्टेन करना होगा और उस इंटीग्रल फॉर्म से हम फिजिकल सिग्निफिक फिजिकल सिग्निफिकेंस मैक्सवेल सेकेंड फील्ड इक्वेशन का ऑप्टेंड कर सकते हैं तो इसके लिए फिर से इक्वेशन टू को मतलब मैक्सवेल सेकेंड फील्ड इक्वेशन डाइवर्जेंस डी इजकल टू जीरो और डेल ऑपरेटर डॉट बी भैक्टर इजगल टू जीरो तो इसको हम वॉल्यूम uh, इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए दोनों साइड में इक्वेशन दोनों साइड के इक्वेशन टू के दोनों साइड्स में दोनों और एल एच एस आर एच एस में इंटायर वॉलूम आर्बिटरी वॉलूम टॉप पर या भी पर इसे इंटीग्रेट करना होगा तो लिखा जा सकता है आ, दोनों साइड में डी टॉ से मल्टीप्लाई करना होगा इंटीग्रल दे के वॉलूम इंटीग्रल देर फॉर इक्वेशन टू टेकिंग वॉलूम इंटीग्रल ऑफ बोर्ड साइड्स ऑफ इक्वेशन टू ओवर एन आरबिटरी वॉलूम ट एक आर्बिटरी वॉल्यूम टॉप पर या कैपिटल भी पर इंटीग्रेट uh, किया जाए वॉल्यूम इंटीग्रल लिया जाए इक्वेशन टू के इक्वेशन इक्वेशन टू के दोनों साइड्स में एल एच एस एंड आर एच एस में तो टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन टू ओवर ओवर एन आर्बिटरी वॉल्यूम टॉप और भी

नहीं तो केवल सिंगल इंटेर सिंगल इंटीग्रेशन दैट इज लॉन्गेस्ट सिम्बॉल का यूज कर इंटीग्रेशन का सिम्बॉल लॉन्ग लॉन्गेस्ट इसे कहा जाता है इट इज़ रीड एच लॉन्गेस्ट ओवर द इंटायर वॉल्यूम टॉप तो सिंपल एक इंटेगेशन लॉन्गेस्ट सिम्बॉल दे करके नीचे में टॉ दे, दे देंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखने की देने की आवश्यकता देने का कोई नीड नहीं होगा अब यहाँ पर फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया जाए तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर एलएचएस को गॉस ड यूजिंग गोसस गॉसेस डाइवर्जेंस थियोरम टू कन्वर्ट एलेचेस ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन दैट इज विच इज ऑप्टेन फ्रॉम इक्वेशन टू आफ्टर टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल इन बोर्ड साइड्स ऑफ इक्वेशन टू सो एलेच्स ऑफ इक्वेशन टू इक्वेशन टू कैन बी कन्वर्टेड टू सर्फस इंटिग्रल बाई यूजिंग गॉस थियोरम विच कैन बी रिटेन एज डेल भेक्टर इंटीग्रल ओवर टॉ डेल वैक्टर डॉट बी वैक्टर डी टो कैन बी रिटेन एज बी वैक्टर डॉट इंटीग्रल ओवर यूजिंग गोस्ट एमरजेंस थी ओवर द इंटायर सर्फेसेस वी कैन राइट हेयर ये बी भेक्टर डॉट डी एस वैक्टर बी भेक्टर डॉट डी एस वैक्टर बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर क्या है इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्फेसेस ये मैट्रिक फील्ड बी का मैट्रिक फील्ड बी का क्या है मैट्रिक फ्लक्स हो गया मैट्रिक फ्लक्स ऑफ मैट्रिक फील्ड बी ओवर द इंटायर क्लोज सर्फेस एंड सो एल एच एस इज इंटीग्रल ओवर सर्फेस इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर केवल इंटीग्रेशन का सिंबल या तो डबल इंटीग्रेशन यूज़ करें नहीं तो सिंगल इंटेसन लॉन्गेस्ट यूज करके सफिक्स में, में नीचे में सफिक्स में नीचे एस दे दिया जाए तो सर्फेस इंटीग्रल हो गया टोटल इंटायर सर्फेस के लिए बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर जीरो इंटू डी टी डेट इज जीरो that is zero and this is equation suppose it is equation number b this is integral form of uh, uh, maxwell's second electromagnetic field equation and from this equation that is integral over the entire surfaces b vector dot ds vector is equal to zero using gausss divergence theorem which converts lhs uh, lhs of uh, this equation lhs of this equation equation number 2 from equation number 2 we have obtained integral over tau. डाइवर्जेंस बी डाइवर्जेंस डेल वैक्टर डॉट बी वैक्टर डी डी टॉप तो इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया गया यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थियोरम इंटीग्रल ओवर द इंटायर सफेसेस बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर एंड आर एच एस इज इंटीगल ओवर जीरो इंटू डी टॉप दैट इज जीरो दैट इज जीरो सो वी हैव इंटीग्रल ओवर द सफेस इंटीगल बी वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर टू जीरो so we have uh, uh, so we have uh, uh, physical significance. we can we can obtain this this equation that is equation b signifies that is integral over s b vector dot ds vector is equal to 0 signifies that the total magnetic flux of magnetic field that is total magnetic flux flux of the magnetic induction or magnetic field over a closed surface is 0 this is the physical significance which we, uh, this equation signifies that is integral form of uh, maxwell second equation is uh, integral over sp vector dot ds vector is equal to 0 and this signifies that the total mat total uh, magnetic flux over a closed surface is zero this is the physical significance of maxwell second field equation now we have to uh, obtain the integral form of मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेशन विच इज कर्ल एच वैक्टर इजकअल टू जे वैक्टर प्लस डेल 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 डी वैक्टर अपॉन डेल डी डेल्टी विच इज पार्शियल डिफ्रेंसिएशन डेल डी डी वैक्टर अपॉन डेल टी विच इज पार्शियल डिफ्रेंसिएशन दैट इज जे इज द करेंट डेंसिटी जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया एंड डेल डी बाई डेल्टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल डिसप्लेसमेंट एंड विच गिफ्स द डिसमेंट करेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट वैक्टर डी वैक्टर और इलेक्ट्रिकल डिसप्लेसमेंट गिफ्स गिव्स अनदर करेंट विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट करेंट और करेंट डेंसिटी ये करेंट डेंसिटी है करेंट पॉल्यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया विच गिव कंडक्शन करेंट आई एंड डेल्टा डी बाई डेल्टा डी इंटू डी एस इन डॉट डेल्टा एस गिव द डिसमेंट करेंट विच इज आई डी विच वाज इंट्रोड इंट्रोड्यूस्ड बाई मैक्सवेल जो कि यहाँ पियर सर्कुटर लॉ में नहीं था और पियर सर्कुटर लॉ में mm, uh, कंडक्शन करंट था आई लेकिन मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया देकर तो डेल डेल डी वेक्टर अपॉन डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट और डिसप्लेसमेंट वैक्टर दिस टर्म गिव द डिस्प्लेसमेंट करेंट मल्टीप्लाइड बाई ओवर एनी over any closed surface, any 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 closed surface. So, del D by del T into de, delta S gives the displacement. field. So, now we have to obtain the integral form of third Maxwell electromagnetic field equation and then its physical significance. So, Curl H is equal to third Maxwell field equation is Curl H vector is equal to J vector plus delta D vector upon delta T. Now again uh, uh, integrating equation 1. ओवर uh, sides साइड्स ओवर closed क्लोज over ओवर ए सर्फेसेस बाउंडेड बाई ए क्लोज लुप बाउंडेड बाई ए क्लोज लुप सी ए क्लोज लुप सी के द्वारा कोई सर्फेस बाउंड किया जाता है तो इंटीगेशन किया जाए दोनों मतलब दोनों साइड में सर्फेस मतलब ओवर ए सर्फेसेस enclosed by ए द loops loop सी सो so, integrating इक्वेशन जैसा कि बाद में हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जिससे कि वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में ऑप्टेंट किया गया था तो इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थ्री विच इज मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेशन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थ्री बोथ साइड्स बोथ साइड्स ओवर ए ओवर ए एराउंड ए क्लोज मे ओवर ए सरफेस एस बाउंडेड बाय द लूप सी ओवर ए सरफेस बाउंड बाई बाउंडेड बाई loop लूप सी closed लूप सी वी हैव इक्वेशन थ्री बिकम्स integral ओवर surface integral हो जाएगा curl H दैट इज डेल vector क्रॉस एच vector इंटू चूंकि सर्फेस इंटीग्रल पर है तो क्या होगा curl इंटू डी एस टोटल सर्फेस के लिए किया गया इंटीग्रेशन और आर एच एस में क्या हो जाएगा integral ओवर सर्फेस और आर एच एस में क्या कौन सा टर्म था जे vector करेंट डेंसिटी और प्लस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट वैक्टर डेल्ट डेल डी वैक्टर बाई डेल्टी और इधर भी डॉट डी एस वैक्टर सर्फेस टोटल सर्फेसेस का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट डी एस ए मल्टीप्लाई करना होगा स्केलर प्रोडक्ट डॉट डी एस वैक्टर और करलेच नाउ स्टोक्स यूजिंग अस्टोक् थियोरम अस्टोक थियोरम अस्टोक्स थियोरम कन्वर्ट्स सर्फेस इंटीग्रल इंटू लाइन इंटीग्रल डेयर फोर सस्पेंस इंट्रीगल ऑफ कर्ल एच वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इसको लाइन इंट्रीगल का मतलब है जो क्लोज लूप सी था उसके उसके अराउंड उस पूरे कर्व के अराउंड पूरा जो क्लोज लूप है विच इनक्लोजेज द सर्फेसेस तो पूरे क्लोज लूप सी के एलोंग मतलब लाइन इंटरीगल होगा लाइन इंट्रीगल एक एलोंगे लाइन इंट्रीगल क्या होता है एलोंगे ए कर्व होता है या क्लोज पाथ होता है लाइन इंट्रीगल पूरे उसके uh, उसके कंटूर पर पूरे क्लोज पार्ट के मतलब सरकम पियंस के लॉन्ग लाइन इंटेरियल होगा जो कि सरफेस को इंक्लोज करता है तो नाउ यूजिंग अस्टोक्स लॉ वी हैव क्या लिख सकते हैं कर्ल एच डी एस वैक्टर को एच वैक्टर डॉट डी एन वैक्टर डी एन वैक्टर क्या है वह पाथ लेंथ है स्मॉल पाथ लेंथ है किसका क्लोज लूप एस uh, का लूप लूप सॉरी uh, लूप सी का जो कि सर्फेस एस को इंक्लोज करता है लूप सी हमने क्लोज लूप सी इंक्लोज किया था सपोज uh, किया था उसके अंदर विच uh, बाउंडेड

इंटीग्रल दे करके एक क्लोज लूप दिया जा सकता है रेक्टेंगुलर शेप का वैसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इंटीग्रल ओवर सी ओवर द लूप सी क्लोज लूप सी लाइन इंटीग्रल हो गया और कर्ल एच वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को लिखा जा सकता है एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर एंड राइट हैंड साइड इज इंटीग्रल एस इंटीग्रल एच क्योंकि एल एच एस को ही हमने कन्वर्ट किया है एल एच एस को कन्वर्ट किया है लाइन सर्फेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल में आर एस एस इज सबसे इंटीगल जे वैक्टर जे वैक्टर प्लस डेल डी अपॉन डेल डी अपॉन डेल टी डेट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर इंटू डी एस वैक्टर इंटू डी एस वैक्टर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सी दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स थर्ड फील्ड इक्वेशन विच इज एम मैक्सवेल सर्कुटर लॉ इन माइ this now this signifies that LHS is integral over uh, integral over the closed loop c h vector dot dl vector that is line integral of h is the magnetic field intensity that is line integral of uh, magnetic field intensity line integral of magnetic field intensity which is called magnetic motive force magnetic field is related uh, it is called magneto motive force mmf so physical significance of uh, this equation is दैट इज थर्ड मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेशन इज राइट डाउन मैग्नेटोम लाइन ट्रिगल ऑफ मैटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द लूप सी विच इनक्लोजेज एन एरिया इनक्लोजेड द क्लोज सर्फेसेस इन्क्लोजेज एन क्लोज लूप सी इनक्लोज करता है सर्फेस एरिया एस उसका एक स्मॉल एलिमेंट डी एस डी एस होता है सो मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेशन इंटीग्रल फॉल ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेसन सिग्निफाइज दैट राइट डाउन मैगनेटेव मैगने मैग्नेटो मोटिव फोर्स इंटीगल ओवर सी एच वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज द मैग्नेटो मोटिव फोर्स एराउंड क्लोज लूप क्लोज पाथ और क्लोज लूपसी इज इक्वल टू द जे जे वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इंटीग्रल ओवर एस जे वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज द कंडक्शन करेंट एंड प्लस इंटीगल ओवर एस डेल डी अपॉन डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट वैक्टर

डिस्प्लेसमेंट करेंट सो मैग्नेटिव मोटिव फोर्स ओवर ए क्लोज लू इज इक्वल टू द सम ऑफ सम ऑफ कंडक्शन करेंट एंड द डिप्लेसमेंट करेंट ओवर एवर द इंटायर क्लोज सर्फेस एंड दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेन्स ऑफ मैक्सवेल थर्ड फील्ड इक्वेसन नाउ वी हैव टू अपटेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट मैक्सवेल मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन विच इज मैक्सवेल्स फोर्थ फील्ड इक्वेशन विच इज फ्राडेड फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन विच इज कर्ली वैक्टर इज कल टू माइनस डेल बी वैक्टर अपॉन डेल्टी कर्ल इज कल टू डेट इज कर्ल इज कल टू रेट ऑफ चेंज निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैटिक फील्ड और मैटिक इंडक्शन तो कर्ल इज कल टू माइनस डेल बी वैक्टर अपॉन डेल्टी अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें ऑप्टेन करना है now we have to express maxwell's fourth electromagnetic field equation into the integral form to signify to signify it that is to obtain its physical significance so for the physical significance of maxwell's fourth field equation we have first we have to we have first obtained uh, we have first we have to first obtain it in uh, we have to first express it in the integral form and for it integrating both sides of equation 4 that is maxwell's fourth field equation over over a closed surface S bounded by the loop C. So integrating both sides of equation four over the surface S bounded by loop C. Integrating both sides of equation four, that is Maxwell fourth field equation, over ओवर द सर्फेसेस सरफेसेस इंक्लोज बाई ए क्लोज लूप सी क्लोज लूप सी क्लोज लूप सी के अंदर क्लोज लूप सी इनक्लोज करता है एरिया इसको और उस एरिया के ऊपर उस एरिया पर उस टोटल सरफेस एरिया पर इक्वेशन फोर को के दोनों साइड में दोनों साइड्स में इंटी समेसन और इंटीगेशन करना है देयर फोर इक्वेशन फोर कैन बी रिटर्न एच कर्ली कर्ली दैट इज डेल वैक्टर एलिश ऑफ इक्वेशन फोर इज कर्ली दैट इज इन ऑपरेटर फॉर्म इट इज डेल वैक्टर इंटीगल ओवर द क्लोज लूप सी इंटीगल दे करके सफिक्स में नीचे सी सिंबल दिया जा सकता है लाइन इंटीगल के लिए सो इंटीगल ओवर क्लोज लूप डेल डेल वेक्टर कर्ड इज कल टू डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर इंटू डी एल वैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल दोनों साइड राइट हैंड साइड में भी माइनस डेल बी भैक्टर डॉट डेल टी इंटू डी एल वैक्टर डीएल वैक्टर इज द अ स्मॉल डिसप्लेसमेंट एलोंग द क्लोज लूप सी सो वी हैव रिटन एयर इन एलेचस इंटीरियर ओवर लूप सी कर्ली दैट इज डेल क्रॉस डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर एंड इन एलेच्स इज इक्वल टू माइनस डेल बी वैक्टर बाई डेल टी डॉट डी एल वैक्टर नाउ यूजिंग अगेन यूजिंग अस्टोक्स अस्टोक्स लॉ टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट दिस सर्फेस इंटिगल इंटू लाइन इंटिगल टू कन्वर्ट्स दिस सर्फेस इंटिगल दैट इज इंटीगल इन अच्छेस इट इज नाउ इट इज वी हैव टेक एन इंटीगेशन ओवर द सर्फेस इंटिगल इंटीगल ले कर्ली डेल क्रॉसी डॉट डीएल वेक्टर एंड विच इज इनक् विच इज द सर्फेस एस इनक्लोज बाई ए क्लोज लुप्सी नाउ यूजिंग अ स्टोक्स लॉ अस्ट्रोक्स थियोरम Now using a Stokes theorem we can convert LHS of uh, this equation uh, into line integral. So using a Stokes theorem, using a Stokes theorem in LHS in the LHS of the above equation that is equation number four, which is a uh, um,

इंटीग्रेट uh, किया है तो दोनों साइड में डी एस वैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा स्मॉल डी एस वैक्टर से इंटीग्रेशन दे करके अब इसे लाइन इंटीग्रल में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर यूज करना होगा इट इज सर्फेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इट कैन बी एज इंटीग्रल ओवर द इंटायर क्रोज लूप सी दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर एंड आर एच एस इज आर एच एस इज माइनस डेल डेल बी बाई डेल बी भैक्टर अपॉन डेल्टी इंटू डी एस वैक्टर आर एच एस इज हेयर तो एल एच एस को हमने कन्वर्ट किया है अस्टोक् थियोरम का यूज करके एल एच एस को कन्वर्ट किया है सरफेस इंटीगल से लाइन इंटरीगल में चूँकि सिंस अस्टोक्स थियोरम इज यूज टू कन्वर्ट सर्फेस इंटीग्रल इंटू लाइन इंटरीगल और राइट हैंड साइड में तो सरफेस इंटीगल वाला हीटर में है माइनस डेल बी भैक्टर बाई डेल्टी इंटू डी टी तो डेल बाई डेल्टी को इंटीगल से बाहर किया जा सकता है सो यू कैन राइट हेयर माइनस minus del upon del t and surface integral of b vector dot ds vector b vector dot ds vector this is the this is equation number d suppose it is equation number d which is the integral form of we have obtained the integral we have obtained the integral form of Maxwell's fourth uh, field equation electromagnetic field equation which is integral over the integral over closed loop c इ भेक्टर डॉट डी एल भैक्टर इज कल टू माइनस डेल बाई डेल्टी माइनस डेल अपॉन डेल्टी इंटीग्रल ओवर बी भैक्टर डॉट डी एस बी भैक्टर डॉट डी एस वैक्टर बी भैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज वाट इंटीग्रल ओवर बी सर्फेस इंटीग्रल ऑफ बी भैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इन आर एच एस ऑफ इक्वेसन डी इज वाट इट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर द मैट्रिक फील्ड बी टोटल मैट्रिक फ्लक्स ओवर द मैट्रिक फील्ड बी ओवर ए क्लोज सर्फेस ओवर द क्लोज सर्फेसेस विच इज इंक्लोज बाई ए क्लोज लूफ सी

द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके पहले वाले इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में मोटिव फोर्स था इंटीग्रल ओवर लूप एच वैक्टर डॉट डीएल्टर वह एमएमएफ था एम एम एफ मैगनेटो मैग्नेटो मोटिव फोर्स और यहां क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई वैक्टर डॉट डीएल्टर ओवर लूप सी दैट इज लाइन इंट्रीगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर ओवर द क्लोज सर्फेस क्रोज ड्रप सीज This gives electromagnetic force is equal to the negative rate of change of total magnetic flux over the closed surface S. This is the physical significance of uh, Maxwell's fourth field equation. So, again, I, I am repeating again, and you can write down it the physical meaning or physical significance of this integral form that is, integral form of Maxwell. मैक्सवेल्स फोर्थ फील्ड इक्वेशन इंटीग्रल ओवर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रो लाइन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज दैट इज लाइन सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रो विच गिव्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी इंटीगल ओवर्स क्लोज ऑफ बी भेक्टर डॉट डी वेक्टर दट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज ऑफ

गिव्स द मैटिक फ्लक्स गिव्स द मैटिक फ्लक्स एंड डेल बाई डेल्टी माइनस डेल बाई डेल माइनस डेल अपॉन डेल्टा टी गिव्स द निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लिंक्ड विद दैट पाथ दैट क्लोज पाथ एंड दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल फोर्थ फिल्ड इक्वेशन एंड नाउ दिस वीडियो is concluded also we will meet very soon in the next video that is second lecture lecture 2 of uh, electromagnetic theory and electrodynamics in paper 7 of pse part 3 physics honors thank you very much